हेलो पैनलिस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन एट द आउटसेट ऑन दॉलोजी एंड आई हैव टू लीव बाई टेन फिफ्टीन नॉट बाई डिजाइन बट जस्ट दैट समथिंग हैज कम अपच रिक्वायर्स माई क्रजेंस सबसे पहले uh, आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म का इस अवसर के लिए आपके समक्षा के चंद बातों को रखने की जितने लोग बैठे हैं सब शायद हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं फील्ड बेस्ड संगठनों के प्रतिनिधि हैं और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है इतना ज़रूर कहना है कि सरकार में रहने के कारण कई कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर मिला है चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की तैयारी हो चाहे वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तैयारी हो चाहे वो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ऐसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन योजनाओं से जुड़ने का मौका मिला है बत्तीस वर्षों के सरकारी सेवा में यही सीखा हूँ कि जिस समाज के जिन आवश्यकताओं को सिविल सोसाइटी के माध्यम से रखा जाता है अंततः वो कार्यक्रमों को मजबूत करने में सबसे अहम होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम चाहे वो शिक्षा के हों स्वास्थ्य के हों विकास के हों गरीबी कम करने के हों इन कार्यक्रमों में यह आवश्यक हो जाता है कि हम कई ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ास करके जब से गत दशकों में तो डिजिटल एम्पावरमेंट की बात आई है आज के दिन ऐसे कई अवसर हैं किसी भी सिविल सोसाइटी मेंबर को किसी भी इंडियन uh, नेशनल को किसी भी अपने अपने देशों में रहने वाले लोग को कि जो कार्यक्रम संचालित होते हैं या जो इंटरवेंशंस होते हैं उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए छोटे छोटे कदम जो संभवतः अत्यंत महत्वपूर्ण है इसी कारण से किसी भी कार्यक्रम के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं यह पार्टनरशिप अवश्य होता है आ, हमारे देश में विशेष रूप से जब एक विकेंद्रीकरण की एक नीति विकेंद्रीकरण का एक संवैधानिक दायित्व डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसी कारण से सिविल सोसाइटी की आवाज़ जो है उसकी प्रतिबिंब भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से ताकि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नेंस को और बेहतर बनाने में ग्रास रूट एन की जो भूमिका है चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग की है चाहे वो ऐसे इश्यूज को उजागर करने की है जहाँ कहीं लगे कि जिस राह चलना है वो राह हम नहीं ले रहे हैं। कई अनुभव हैं अगर सबको आप सबों के साथ बांटने लगूँ तो शायद बहुत समय लगेगा अनुभव रहा है पूरे देश में घूमने का लगभग अधिकांश जिलों में जाकर देखने का और जहाँ कहीं सफलता दिखा है कहीं ना कहीं उस सफलता के पीछे एक भागीदारी एक लोक भागीदारी जहाँ सरकार के लोग और सरकार के बाहर के लोग जहाँ सभी लोग मिल कर के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के प्रति कार्य करते हैं तो रिजल्ट तो ज़रूर आता है डिजिटल एम्पावरमेंट के कई उदाहरण हैं पूरे देश में जहाँ इसके उपयोग से बहुत चीज़ों में फ़र्क है छोटे छोटे उदाहरण तो कई हैं चाहे वो सेलफोन को लेकर के हो चाहे वो अन्य आई टी एनेबल्ड सर्विसेस के माध्यम से हो आज के दिन किसी भी कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के कई विकल्प उपलब्ध हैं सरकार के माध्यम से भी कई जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का उसके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे नरेगा सॉफ्ट और अगर उस पर आप ट्रैक करने लगेंगे तो आपके गांव तक आज के दिन कौन कौन मजदूर काम कर रहे हैं इसकी जानकारी भी है तो एक तो भूमिका विशेष रूप से होल्डिंग गवर्नमेंट्स मोर अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर इंप्लीमेंटेड उसी प्रकार सेल्प ग्रुप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत किस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किस प्रकार की गतिविधियां की हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड एम के होने से आज के दिन यह संभव है इसी प्रकार से अवेयरनेस बिल्डिंग की जब बात आती है मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा आशा वर्कर्स के साथ सेलफोन के उपयोग से विशेष कार्यक्रम एक किया गया था जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था जहाँ क्वेरी बेस्ड उत्तर किसी को आप दे सकें अपने सेलफोन के माध्यम से काफ़ी व्यापक पैमाने पे इसको किया गया था और जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत इंकरेजिंग थे जो बिहेवियर चेंज की बात होती है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात होती है द डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एज नेवर बिफोर टू बी एबल टू कनेक्ट टू एवरी हाउस होल्ड टू बी एबल टू प्रोमोट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मीडिया एंड द सोशल मीडिया समथिंग विच वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टिल अ फ्यू डेट्स अवे Friends, uh, I can only wish each one of you the very best and uh, make an earnest request to all of you to engage with the programs of government, whether for education, for health, for poverty reduction, because the success of many of those programs at the grassroots level depends on the ability of such partnerships at the local level, which, on the one hand, hold the system accountable and on the other, build capacities for local communities to participate within the framework of institutionalized gram sabhas and gram panchayats. it does make a difference. i was in uh, tamil nadu yesterday, meeting members of self-help groups till late in the evening. and what struck me most about that entire movement was the way in which women have felt empowered enough to share with you, Whatever they are doing, they have felt empowered enough to sit in a meeting with 60, 70 registers of the lending which they are doing among themselves through the self help groups and the confidence with which, if you ask a question, the response on what is it that they have done. Friends, I see the digital initiatives as highly empowering initiatives. What is happening where? Even physical absence can be made up if we are able to actually use the tool effectively to improve the lives of people. The programs that ha I happen to work at, work with at the moment, in a manner cover the universe of the poor workers participating as unskilled laborers in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, members of self-help groups under the National Rural Health Mission. If we add up the two sets of workers and members we actually have the universe of the poor in rural areas to make a difference in their lives using technology using the presence of active grassroots civil society organizations who also engage with systems a challenge for all of us is to be able to engage with the system at the cutting edge to make a difference friends i wish each one of you the very best and Invite you to join all platforms which allow a greater interface of partnerships to improve accountability, to build capacity, and to make a change in the lives of the poor. Thank you.